और अगली बड़ी खबर रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा से जुड़ी हुई है। मॉस्कोवा वॉरशिप में मौजूद थी दो न्यूक्लियर मिसाइल, ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। और धमाके के बाद दोनों मिसाइलों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यूक्रेन ने किया है ब्लैक सी में मॉस्कोवा को उड़ाने का दावा। रूस का ये युद्धपोत काले सागर में जो समा गया, लेकिन गहराई में जाते जाते कुछ गहरे निशान पानी के ऊपरी हिस्से में छोड़ गया, जिससे दुनिया के सामने पुतिन का न्यूक्लियर सीक्रेट आउट हो गया। और इसी खुलासे के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में न्यूक्लियर हथियार की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि खबर तो सही है, जिस मॉस्कोवा वॉरशिप को ध्वस्त कर समुन्द्र में डुबा दिया गया, उस युद्धपोत पर रूस की दो न्यूक्लियर मिसाइल लोड थी, जो अब नीले समंदर के गहरे पानी में समा चुकी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी हमले में मॉस्कोवा शिप में दो न्यूक्लियर मिसाइल डूब गई। SAN-6 ड्रम्बल मिसाइल गर्क हो गया, SAN-4 जेको समंदर में समा गई। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम थी, जो अब पानी में डूब चुकी है। इन दोनों मिसाइलों का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। सिर्फ रूस के पास ही इनके बारे में जानकारी है। शिप में न्यूक्लियर हथियारों का क्या हुआ, ये भी तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि पुतिन ने चोरी चोरी न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रखी है और मॉस्कोवा के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।